हाय फ्रेंड, जैसा कि हमारे पास HP 1005 की पावर सप्लाई है और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये डेड है, इसमें पावर नहीं आ रहा है, हमने प्रिंटर में लगा चेक कर लिया है। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। जैसे कि हमारे पास मीटर है और मल्टीमीटर है, हम इस मल्टीमीटर के थ्रू हम आपको जो है दिखाएंगे कि कहाँ पे और कितना वोल्ट आना चाहिए। तो जैसे कि हम इस मल्टीमीटर को फ्रेंड, जैसे कि हमने पावर केबल लगा दिया है, पावर केबल लगाने के बाद हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे यहाँ पे 600 AC पे। सेट करने के बाद हमको यहाँ पे टेस्ट करना है कि हमारा जो यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है। तो हमने यहाँ पे आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं मल्टीमीटर पे 255.56 आ रहा है, तो यानी हमारे इस कार्ड पे वोल्टेज आ रहा है। और हम इस फ्यूज को भी चेक कर लेते हैं, तो हम फ्यूज को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्यूज लगा होता है, फ्यूज हमारा बिल्कुल सही होके आ रहा है, बीप भी आ रही है। और इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे इस मल्टीमीटर की, यहाँ पे सेट करेंगे DC, क्योंकि DC 20 में है। अगर हम इसको 20 में सेट करते हैं तो 20 में यहाँ पे 24 वोल्ट ज़्यादा आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको इस मल्टीमीटर को 200 में सेट करेंगे। तो हमने 200 में सेट कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वोल्टेज नापेंगे कि हमारे इसमें कितना वोल्ट आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे 24 वोल्ट आना चाहिए लास्ट में यहाँ पे। तो हम जैसे कि हम इसको नाप रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, हमारे इसमें 24 वोल्ट आ रहा है। ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ये पूरा ग्राउंड होता है। तो यहाँ पे ये 24 वोल्ट आ रहा है और 24 वोल्ट यहाँ आना भी चाहिए। तो और स्थिर भी है, स्टेबल है और स्टेबल भी होना चाहिए। तो जैसे कि स्टेबल है अभी, और इसके बाद आगे भी 24 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे भी 24 वोल्ट आना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 24 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी 24 वोल्ट और यहाँ भी 24 वोल्ट आना चाहिए, तभी हमारा जो कार्ड है वो एक्टिव माना जाएगा। अगर ये 24 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपका जो कार्ड है वो एक्टिव नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि हमारे यहाँ पे एक फ्यूज लगा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक फ्यूज, ये फ्यूज होता है, इसको आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है, ये फ्यूज को रिप्लेस करना है, या फिर आपको यहाँ पे शार्ट करना है, तो या फ्यूज लगा देना है। तो आपका जो यहाँ पे 24 वोल्ट नहीं बन रहा है, वो 24 वोल्ट बनने लगेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे, चलिए आइए फ्यूज लगा देते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम यहाँ पे पहले नाप लेते हैं 200 कितना वोल्ट आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 24 वोल्ट आ रहा है, और अब हम आगे भी नापेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे फ्यूज जॉइंट हमने कर दिया है, और इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे मीटर पे 24 वोल्ट आ रहा है, यानी हमारा जो कार्ड है वो एक्टिव माना जाएगा, और हमको ट्रस्ट है कि हमारा जो कार्ड है वो एक्टिव हो गया है। तो आप इस प्रकार से आप अपने कार्ड को सही कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हमने जैसे कि आपको बताया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।